Zafar Estate. Welcome to channel. Subscribe if you need any kind of property. Bismillahirrahmanirrahim. Yahka nahudowa, yahka nastain. Zafar Real Estate wale ji aapke liye one bed ka TV launch, kitchen, itna bada terrace ke saath aapko aapke liye leke inshallah taala hazir hua hai. आपको ये देखने का इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता जाऊँ कि ये रोड है सामने, यहाँ नीचे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, ये पार्किंग है, सारी पार्किंग पार्किंग का यहाँ कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये सारी पार्किंग ही पार्किंग है। तो यहाँ आप गाड़ी खड़ी करेंगे, ये देखें जी व्यू रोशन, और ये चार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाएंगे, ये इंटरेस्ट आ जाएगी। तो अभी जो चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको बहुत लाइक करेंगे, ठीक है जी। ये इसकी इंटरेस्ट है और ये इसके, ये देखें जी, ये इसके इंटरेस्ट के साथ ही एक टीवी लॉन्च के लिए वॉशरूम है। लेकिन इसमें जो है काफ़ी जो है ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, इसकी ये सीलिंग हुई हुई है। और आज हमारे साथ जो है आबिद साहब भी मौजूद हैं। तो ये इसका देखें जी, ये वन बेडरूम का और टीवी लॉन्च किचन दिखाएंगे, आप देखे हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये देखें, ये कॉर्नर है, तो ये थ्री साइड ओपन है फ्लैट। तो ये फ्रंट का मैंने इंटरेस्ट का व्यू भी बता दिया और इधर का भी आपको दिखा दिया। तो ये इन्होंने फ़िलहाल जो बंदा मालिक रह रहा है, ये इसको ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है, कभी कभी आके बैठते हैं, ये टेबल शेबल उन्होंने लगाई हुई है। तो ये मैं दिखाता जाऊँ कि ये सारे व्यू हैं, ये सारे व्यू हैं, यहाँ बैठे हुए आपको सारे व्यू ये जो है ये आपको नज़र आएंगे। सर ये 1400 स्क्वायर फुट का वन बेड का आपको अपार्टमेंट जो है ये दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक दो ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा, वो आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। ये इसका बेडरूम है, ये मैं अभी आपको किचन में लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका किचन है, ये भी आपको फर्निश मिलेगा, 1400 स्क्वायर फुट का है ये। तो ये नीचे टाइल लगी हुई है, ऊपर इसके ये सारी सीलिंग हुई हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता जाऊँ व्यूवर्स आपको कि ये बेडरूम की चाबी आज हमारे पास नहीं है। ये जो बेडरूम है ये काफ़ी खुला, 14x14 का ये का रूम है और इसमें बेड लगा हुआ है और एक इसके साथ बहुत बड़ा वॉशरूम है और इसमें वो जो है स्टोरेज कपड़ों वाली अलमारी भी है, ठीक है जी। ये अंदाज़ा ये बाहर से थोड़ा सा आप कर लें कि यहाँ से ये बेडरूम देखें, यहाँ से शुरू जाता होता है और बैक साइड पीछे तक जाता है और ये इतना बड़ा बेडरूम है। ये यहाँ से वो एक्चुअली उनका कुछ सामान कीमती पड़ा है तो मालिक साथ ले गया, तो ये वो पीछे तक जाता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेडरूम कितना बड़ा है। तो बेडरूम हम अंदर से आपको नहीं दिखा सके, लेकिन बाकी और काफ़ी चीज़ें मैं आपको अभी जो है ना वो दिखाने वाला हूँ। ये आपको मैंने किचन दिखाया, ये टीवी लॉन्च है, ठीक है, पूरा ये एलसीडी लगी हुई है। और अभी मैं आपको बाहर ले जाता हूँ टेरेस पे, आप देखें कि कितना बड़ा टेरेस दिया है। इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शनें दूँगा, ये देखें जी, ये बहुत बड़ा टेरेस दिया हुआ है। और ये मैं आपको, मेरा कैमरा अगर दिखा सके सारा, तो ये देखें, ये बहुत बड़ा टेरेस दिया हुआ है। लेकिन इसमें ऑप्शन, पहले आप व्यूज़ देख लें फिर मैं आपको ऑप्शन की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका व्यू है पहाड़ों का और ये कॉर्नर है, उस साइड से भी मैं लेके जाके आपको परली साइड का व्यू भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसका व्यू है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है, चाहे आपकी 50 गाड़ी हो वो भी खड़ी हो जाएगी। अक्सर लोग भाई कहते हैं कि जी हमें पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है,
तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि पार्किंग का कोई इशू ना हो। तो ये मैं कहता हूँ कि 50 गाड़ी भी खड़ी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है पार्किंग का। तो ये इसका जो है, ये देखो ये व्यू है इसका सारा बिल्डिंग का, और मैं साइड से भी कोशिश करता हूँ कि आपको व्यू दिखाने की। ये देखें जी, ये ऊपर पेंट हाउस बना हुआ है, ये भी एक वीडियो पेंट हाउस की भी बनेगी, वो भी आप जरूर विज़िट कीजिएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अगली साइड पे, कॉर्नर जो अगली साइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये कॉर्नर है, मैंने गलत गाइड नहीं किया था। ये देखें जी, ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, नीचे ये चश्मा चल रहा है जी। ये देखें जी, चश्मा चल रहा है, कॉर्नर की बिल्डिंग है ये, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। और ये इसका सारा व्यू है जी। और इसके बाद मैं ऑप्शन, ये सामने आप देखिएगा कि ये आपको बर्फ़ नज़र आ जाएगी, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें, ये बर्फ़ के नज़ारे यहाँ से आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये सारी ऊपर जो है ना, ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है आपको, ये सारी बर्फ़ है। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आपको कौन सी कैसी जगह पे लेके खड़ा हूँ। तो ये देखें, इसका काफ़ी बड़ा ये टेरेस है। अब अच्छा, इसमें एक मैं ऑप्शन देता हूँ, आप उस साइड पे या इस साइड पे एक रूम और भी बना सकते हैं, और छत इसकी बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपने रूम तैयार हो जाना है, आपने ये ग्रिल की जगह आपने सिर्फ शीशा लगाना है, ठीक है। ये ग्रिल की जगह आप यहाँ शीशा लगा देंगे, अगर पूरा, वैसे एक और मेरा आइडिया है कि यहाँ से लेके ये देखे ना ऊपर तक, ये पिलर है सारी बिल्डिंग, ये पिलरों पे खड़ी है, ये पिलर है, यहाँ पूरा शीशा लगा देंगे सिर्फ, तो ये इतना बड़ा आपका हॉल कमरा हो जाएगा। इसमें पार्टीशन करके आप दो भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है इसमें, और इसको आप एक बड़ा हॉल भी सारा शीशा ऐसे लगा के आप जो है जब मर्ज़ी उसको खिड़की उसकी खोल लें और ये पूरा शीशा लग जाएगा। तो देखें, इतना बड़ा टीवी लॉन्च, साथ कमरा, ये साथ हॉल कमरा, मास्टर बेड, आपका इतना बड़ा मास्टर बेड बन सकता है, खर्चा कोई नहीं है इतना इसमें। ये आप देखें, सिर्फ आपने करना है जहाँ जहाँ जंगला आ रहा है वहाँ वहाँ आपने शीशा ले कर आना, ये शीशा लगा देना। उस साइड से भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और मेरा ख्याल है यही शीशा जो लगा हुआ है ये आप फ्रंट पे ले आएँ। तो ये देखें, यहाँ से आपका, आप यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से शीशा, क्योंकि ऊपर ये देखें ना, अब इस साइड से आपको सही नज़र आ रहा है, ये ऊपर से ये सारा कुछ बना हुआ है, जस्ट आपने ऊपर साथ शीशा मिलाना है। तो ये आपका इतना बड़ा 1400 स्क्वायर फुट का ये जो है ये जगह जगह है, और उसमें ये कुछ बना हुआ है, लेकिन शायद उनको ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये ज़रूरत नहीं महसूस करते तो ये देखें, चेयर रखी हुई है, बारबेक्यू हो सकते हैं, यहाँ आप अपनी अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी भी डिमांड इन्होंने 176 की हुई है, और इतने में ही ये शायद मेरे ख्याल देना चाहते हैं, कोई बारगेनिंग नहीं करना चाहते। तो जिस भी भाई को पसंद हो ज़रूर बताएं, ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद है हमारे पास। तो ये यहाँ सारे फैमिली एरिया है, फैमिली रहती हैं, और बहुत खूबसूरत और कमाल की ये जगह है। तो जाते जाते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टे थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ़ यू नीड मोर प्रॉपर्टी वीडियोज़।